एक्चुअल रैली में तो गिनती के 5000 आदमी नहीं आए थे, अब वर्चुअल में इनका कौन आएगा? अभी जो उनको करना है वर्चुअल रैली करें, बैनर पोस्टर से सजाएं, रथ घुमाएं, अपना ऑफिस चमकाएं, चेहरा चमकाएं, अब कोई फायदा नहीं है। अब जनता झांसे में नहीं आएगी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार आगामी 7 सितंबर को वर्चुअल रैली करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, जेडीयू की तैयारी पूरी हो चुकी है, ऑनलाइन पोर्टल का भी आज उद्घाटन कर दिया गया है। टारगेट 15 से 20 लाख लोगों तक रीच सीएम नीतीश कुमार करेंगे, बिगुल फूकेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा, एक्चुअल रैली तो जेडीयू का बिहार के लोगों ने देखा था ना, एक्चुअल रैली में तो गिनती के 5000 आदमी नहीं आए थे, अब वर्चुअल में इनका कौन आएगा? अरे बोलना है, मुंह है, दावा कर देते हैं इतना लाख आएगा, उतना लाख आएगा, उतना जितना इनका वर्चुअल रैली में लोग जुटेंगे उतना तो हमारा आरजेडी कार्यालय में देखिए उतना रोज भीड़ रहता है। देखिए जनता का गुस्सा, जो जनता आक्रोशित है उसका एहसास जेडीयू वालों को भी है, ऐसा नहीं है वहाँ लोगों को नहीं है। जनता के गुस्सा का प्रकटीकरण बिहार विधानसभा के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। अभी जो उनको करना है वर्चुअल रैली करें, बैनर पोस्टर से सजाएं, रथ घुमाएं, अपना ऑफिस चमकाएं, चेहरा चमकाएं, अब कोई फायदा नहीं है। अब जनता झांसे में नहीं आएगी भाई, जितना आपको चमकाना था 15 साल बहुत मौका मिला, अब चेहरा चमकाना छोड़ दीजिए। बिहार के साथ साथ जेडीयू कार्यालय भी चमक रहा है, हम तो कह रहे हैं जितना अपना कार्यालय चमकाने में एनर्जी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उतना अगर गरीबों के बीच में उनका दुख दर्द बांट दिए होते, बाढ़ पीड़ितों के बीच में बांट दिए होते, रोड पर सड़क पर लोग जिंदगी जीवन अपनी बिता रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, उनकी चिंता नहीं है। शासन में बैठे हुए लोगों का जब सत्ता अहंकारी हो जाए, तानाशाही हो जाए, तब जनता जो है जाग जाती है। कभी आपके रहे जीतन राम मांझी या नीतीश कुमार के हो गए हैं? देखिए आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो हम लोग के पास आए थे एनडीए से, उन्होंने छोड़ा था एनडीए को, अपमानित होकर के आए थे, हम लोगों ने पूरा सम्मान दिया। अब जीतन बाबू जी को इतना सम्मान दिया हम लोगों ने, एनडीए ने अपमानित किया, और जब हम लोगों के पास आए उनके पुत्र को एमएलसी बना दिए, उनको 3 सीट लोकसभा में दिए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो महागठबंधन की नाव का पतवार मांझी जी के हाथ में था, मांझी जी ने नावें डुबा दिया महागठबंधन का। तो अब एनडीए में गए हैं, हम लोगों की शुभकामना है वहां जा कर के स्थिर से रहें, नहीं तो जनता अस्थिर कर देगी और एनडीए का नाव डुबाएं। आखिरी सवाल है कि सुशील कुमार मोदी जिस तरीके से रांची में लालू का दरबार लग रहा है, टिकट पाने वाले की चाह में रखने वाले नेता लालू के साथ मिलने जा रहे हैं, उसको लेकर लालू सुशील मोदी ने निशाना साधा है, कहा है कि वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी करने जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ शिकायत करना है, अरे लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। लालू प्रसाद जी जनता के दिलों में राज करते हैं, जन जन के नेता हैं, जहाँ भी रहेंगे आदरणीय लालू प्रसाद जी तो उनको उनका दर्शन करने के लिए लोग उमड़ जाते हैं। अब वहाँ है कोरोना संक्रमण का दौर है, अब इतना भी जिनको ज्ञान ना हो कि कोरोना में भला कोई किसी से मिलेगा, उनकी तबीयत खराब है, उनके स्वास्थ्य के लिए कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उनको सुरक्षित बंगले में भेजा गया है। अब लोग का प्यार है, प्रेम है जनता का लालू प्रसाद जी के प्रति, तो वो वहाँ बंगला के बाहर भी खड़े रहते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है, उनको लगता है कि हम अपने मसीहा से दर्शन हो गया।
वो क्यों मिलेंगे? जेल मैनुअल का वो पूरा पालन कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का अक्षरशः उन्होंने सम्मान किया है, पालन किया है। अब जिनको फोबिया है उनको चिंता इस बात की नहीं है कि लालू प्रसाद जी वहां से बायोडाटा ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। चिंता है कि बिहार की जनता बीजेपी नेता के पास जा ही नहीं रहे। अब जनता बीजेपी नेता के पास नहीं जा रहे तो इसमें मेरा क्या और लालू प्रसाद जी का क्या दोष है? चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को वर्चुअल रैली नहीं एक्चुअल रैली करनी चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।